वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। आरोप प्रत्यारोप का दौर और साथ ही सियासत इस मुद्दे पर जारी है। इन सबके बीच बड़ी खबर आपको देते हैं। उत्तर प्रदेश में नागरिकता कानून को लेकर भड़के हिंसा की जांच के लिए SIT बनाई गई है। यूपी के DGP ने आदेश जारी कर हर जिले के एडिशनल SP क्राइम को जांच का जिम्मा सौंपा है। इसके साथ ही यूपी पुलिस ने आंकड़ा जारी कर बताया है कि हिंसा में 1113 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान 19 लोगों की मौत हुई है, जबकि 288 पुलिस वाले घायल हुए हैं। 61 पुलिस वालों को गोली भी लगी है। ये आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं कितने घायल हैं, पुलिस वालों को गोली भी लगी है। विस्तार से इसके बारे में जानकारी दी गई। साथ ही जांच के लिए SIT बनाई गई है। जिले में एडिशनल SP की अध्यक्षता में ये SIT बनाई गई है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।